बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबड़ों को अंदर से तेज़ सा धाक लगा उसके अंदर से, और जोर से पूरी ताकत लगा, हाँ जोर से बुलाओ, बाहर से उसको काटने वाली फौज को बुलाओ, उसके हाथों सब काट के लेंगे, झकड़ो उसको तेजी के साथ और जोर से, तेजी से और तेजी से, हाँ जोर से आदमी झकड़ो उसको तेजी के साथ। जोर से झगड़ो उसके अंदर से आग लगाओ तेजी के साथ, नजदीक से ले रहे आदमी से, हाँ झगड़ो उसको तेजी से, चल रहे बयान कर, कहां से आया था, शमशान से, कब्रस्तान से, कौन लाए थे तुझे, जलाओ उसके हाथों में आग लगाओ तेजी के साथ, जोर से और जोर से, नहीं छोड़ते नहीं थे को वैसा एक बार भी, ये काट के लेता हूँ या बाहर टांग देता हूँ, और जोर से, तब मारने का था बच्ची को अमास में पूनम में, जो पूछा उसका जवाब देना, अभी चीर दूंगा, झगड़ो उसको तेज से, वो बच्ची को कब मारने का था, अमास में पूनम में, हाँ गला गला के मार देने का था, हाँ काट कर लेता हूँ दोनों हाथों को, झगड़ो उसको तेजी के साथ लगा पूरी ताकत और जोर से, छोड़ना नहीं छोड़ना तुझे, छोड़ना कि नहीं छोड़ना, झगड़ो उसको तेज से, हाँ लगा पूरी ताकत जोर से, क्या बोले थे बच्ची को मार दो, बोले सवाल के जवाब से मेरे तो छोड़ेंगे ना, तो पूरा जला दूंगा, क्या नाम है, रिजवाना बेगम, रिजवाना को कब मारो बोले, अम्मा से सुनना है, रिजवाना बेगम को कब मारो बोले, क्या मारते से आग लगाओ, झगड़ो उसको तेजी से, हाँ बयान कर, तो अभी काट देता हूँ दोनों भी हाथ और बाहर टांग देता हूँ, और साथ में तेरी मुंडी भी काट देता हूँ, वो भी टांग देता हूँ बाहर, कितने लोग आ रहे सो जा रहे सो, फिर गिनती करते बैठना, हाँ बयान कर जल्दी, रिजवाना बेगम को कब मारो बोले थे, कौन जादू कर रहा था, औरत थी आदमी था, नाम नहीं पूछा मैं, खाली औरत थी आदमी था, कौन था वो, कौन था वो, झगड़ो कुत्ते के साथ और जलाओ क्या दुखते इस साथ, जकड़ गया हो, जकड़ो ले लू पूरा काट के ले लू, हाँ जल्दी बयान कर छोड़ देता हूँ, पीछे से हाथ हटा दो सपोर्ट के, हाँ जल्दी से बयान कर छोड़ देता हूँ, बयान कर, कौन डाले सो थे वो बच्ची के आंग मिला के, क्या बोल के जादू करे थे, मार दो बोले थे, सही सही जवाब दे दो, छोड़ देता हूँ अभी, छोड़ देता हूँ, चल हाँ मैं जितने सवाल करा उतने जवाब दे, एडवांस में कोई जवाब नहीं होने को, हाँ बोल, बच्ची को
क्या बोले थे रिजवाना को गला गला के मार दो बोले, हाँ जोर से बोल, जोर से बोल, सबको सुने आना। अच्छा उसके बाल लग गए थे, कपड़ा लग गए थे, मट्टी लग गए थे, क्या क्या लग गए थे जादू करने के वास्ते? हाँ क्या लेकर गए थे जादू करने के लिए? जलाओ उसको, उस पर कोई उस पर वो करो मत, रहम ना लाए आप पे, उसके अंदर से आग लगाओ, उसके टुकड़े करिए। हाँ जल्दी बहुत छोड़ देता हूँ, पढ़े तक जरा रोक रहे, पढ़ाई पूरी कार्डिंग में लेना नहीं, क्योंकि वो जबर से रुको पकड़ में नहीं आता, कैमरा बंद चालू कर लो। काफी मेरे दो सवाल के जवाब अभी दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बाद में फैसला दूंगा तेरे ऊपर। बयान कर दो ही सवाल के जवाब दे, तुझे लाए थे कहाँ से पकड़ के, शमशान से या कब्रस्तान से? पहला सवाल जवाब दे जल्दी, कहाँ से लाए थे? और बच्ची को कितने साल से परेशान कर रहा हूँ, अभी दो दे, बाकी बाद में लूंगा मैं तेरे से कोई सवाल के जवाब। हाँ बयान कर, कहाँ से पकड़े थे? शमशान से कब्रस्तान से? हाँ कहाँ से? नहीं नहीं छोड़ता हूँ फिर मैं, होता नहीं मालूम एक बार में छोड़ दूँ, थोड़ा चला। बयान कर अभी इसी वक्त, बयान कर तो आजाद करूँगा जल्दी। अच्छा नहीं मालूम फिर, हाथा जकड़ो उसका, हाथा काट के और मुंडी भी जकड़ लो उसकी। बोलना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा ना नाम, तेरे बाप का राज चल रहा है, लोगों के आंग में बैठ के सताने को, लोगों के बच्चों के जाना लेने को। हाँ जकड़ो उसकी गर्दन को, काट के ले लेंगे तेजी के साथ। हाँ बहुत बहुत बोल, कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान कब्रस्तान कहाँ से? ठीक है इसके हाथ जलाने की तैयारी करिए, पढ़े तब रोक बिस्मिल्लाह। अरे होशियार, ये जो मसला है इनके पेशेंट का, तो ये खुद ब खुद लग गया, कोई दास्तान नहीं है, ये छोड़े वाली बला है। और ये कहाँ से लाए, कौन लाए थे, क्यों डाले, कितने झनों को मारे, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं क्या बयान करूँ। उनकी बच्ची का भी 9 महीने पहले बच्ची का इंतकाल हो गया, और वो इंतकाल क्यों हुआ, क्या हुआ, इंशाल्लाह वो तो सब तफसील में बातें यहाँ सामने आ जाएंगी कौन करा। लेकिन ये जो भी हरकतें कर रही है, ऐसी दास्तानें कर रही है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जादूगर के पास जाने वाले हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, और जादूगर भी हमें से नहीं है, हमें से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी शफाअत मैं नहीं करूँगा, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इतनी बात याद रखना, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया कि गंदे इल्म भी है, जादू है, जादू के अंदर बहुत सारे पार्ट्स बढ़ते। जादू बोले तो जैसा कि इल्म, पढ़ाई, एजुकेशन, स्टडीज, ठीक है एक ही वर्ड है, लेकिन उसके अंदर स्टडीज कितने किस्म की बढ़ती। इंजीनियरिंग की फैकल्टीज अलग है, मेडिकल साइंस की अलग है, आर्ट्स की अलग है, कॉमर्स अलग है, और भी बहुत किस्म के निकल रहे, टेक्नोलॉजियों की अलग है, बहुत सारे कैसे पार्ट्स बढ़ते वैसा। तो वैसा ही जैसा स्टडीज इल्म बोले आला है, वैसा ही जादू बोल के खाली तुम आपको वर्ड्स बता ला जादू। अब इसके अंदर इतने पार्ट्स बढ़ते हैं, नागोरी, अगोरी, एकरमती, भानामती, एकरमती, यम नियोमानी, अब उसके अंदर बयान नहीं कर सकता। मगर इन सब के ऊपर काबिज अल्लाह का कलाम है, इन सब को फना किल्ला, सारे जादू टोने को हलाक गर्क कर देने वाला अल्लाह का कलाम, और तुम्हारी तुम्हारे पर रहमत अजमत और तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारा महफूज रखने वाला अल्लाह का कलाम, कलाम इलाही। और ये सब चीज़ें पढ़ो, ये बहुत भारी अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने नियामतें रखा तुम्हारे अंदर। सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन, सूरह जिन, सूरह वाकिया, सूरह बकरा, तुमको जो आता चारों कुल जो आता वो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको फैज़ मिलेगा, और उसके फैज़ से तुम फैज़याब होंगे, और उसके हैरत अंगेज फायदे तुमको नजर आएंगे। नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सी को दर दर मांगे भी। जादू चल जाने के बाद जादू तुमको इबादत के नजदीक नहीं जान देता, इबादत से तुमको रोकता। नमाज पढ़ने जा रही पूरा ना को ना, बाद में पढ़ेंगे ना, नहीं 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 दिल नहीं लगा। कुरान पढ़ेंगे ना, नहीं 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 नसीब नहीं जान देता, बाद में पढ़ेंगे ना, जरा मोबाइल देखेंगे, मोबाइल चलेंगे, काड़िया करेंगे, ऐसा इधर जाएंगे उधर जाएंगे, भटका था तुम्हारे। और ओरिजिनल इलाज वाले के पास भी नहीं आन देता तुम्हारे, रास्ते में रुका बैठे डालता तुम्हारे, बोलता नहीं नहीं जैसा कुरान हदीस और नमाज के नजदीक तुम्हारे जादू नहीं जान देता, वैसा ही सेम जादू तुम्हारे ओरिजिनल अल्लाह वालों के पास नहीं जाने देता, रास्ते में रुका बैठे डालने की कोशिश करता। क्यों करता? क्योंकि उसको मालूम है ये जगहों पर जाने से वो कट जाता, वो खत्म हो जाता, उसकी कोई औकात नहीं, उसको
फिनिश कर दिया जाता। बोलकर उन्हें क्या करता, तुम्हारे इसमें रुकावटें डालता। देखो तुम आजमा लो, तुमको कुछ समझेंगे सब बात। मैं क्या बोलूँ, मैं जो प्रैक्टिकल में बताता हूँ, अल्लाह ने जो प्रैक्टिकल में तुम्हारे बताया मेरे हाथ से, उस पर मैं तुमको तशरीफ दूँ, उस पर मैं तुम्हारा कंक्लूजन बताता। और मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएंगे? मेरे ऊपर वाजिब है तुमको बताना। क्यों? क्योंकि तुम फिर तुम्हारी सलाह कैसी होंगी, तुम सुधरेंगे कैसा, फिर तुम ये सब चीज़ों से बचेंगे कैसा। इसलिए और बस इतना ही कहूँगा, और इससे ज़्यादा आगे के राउंड में सब तफसील में पूछेंगे, क्योंकि हर बला अलग किस्म की रहती है, उसको हर अलग तरीक़ों से जला कर राख करना, इबादत जो भी दास्तान की थी उस हिसाब से उसको बाद में सब पकड़ के आगे के इसमें सब पूछा देंगे सबके नाम इंशाअल्लाह ताला। ठीक है।